गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैटिक्स में आज डिस्पर्सन चैप्टर चल रहा है, उसमें अभी तक अपने चार मेथड देख चुके हैं, आज पांचवा मेथड लेते हैं, मीन डेविएशन, माध्य विचलन। जब माध्य विचलन माप का कैलकुलेशन करेंगे तो पहले यह निर्धारित करेंगे कि माध्य विचलन कौन से माध्य से कैलकुलेट करना है, क्योंकि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्रश्न में स्पष्ट लिखा हो कि माध्य विचलन कौन से माध्य से निकालना है तो आप उसी माध्य से निकालेंगे, अन्यथा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के आधार पर निकालेंगे। अब अपन सबसे पहले देखते हैं इसको इंडिविजुअल सीरीज में। अगर सीरीज इंडिविजुअल है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए जो साइन है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो ये सिग्मा मॉड्यूल्स के साथ डी एक्स आर डिवाइड बाई एन। अगर मीडियन से निकालते हैं तो सिग्मा डी एम मॉड्यूल्स के साथ डिवाइड बाई एन, और अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकालते हैं तो सिग्मा डी जेड डिवाइड बाई एन। अब यहाँ डेविएशन क्या है ये, तो अगर अपन देखें डी एक्स बार का मतलब है एक्स माइनस एक्स बार, यानी हर वैल्यू में से एक्चुअल मीन निकालकर घटाएं। dm का मतलब है x माइनस m, यानी हर वैल्यू में से मीडियन घटाएं, और dz का मतलब है x माइनस z, यानी हर वैल्यू में से एक्चुअल मोड घटाएं। और जब ये डेविएशन निकालेंगे तो ये मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स का मतलब है इग्नोरिंग माइनस, यानी डेविएशन अगर माइनस में आता है तो उनको माइनस नहीं लिखेंगे प्लस ही लिखेंगे, माइनस को इग्नोर करना, तो मॉड्यूल्स और उनका टोटल करके एन से डिवाइड करेंगे तो ये इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा। और ये निरपेक्ष माप है, अगर मान लीजिए इसकी सापेक्ष माप निकालनी है, यानी कोफिशिएंट ऑफ, अगर आपको सापेक्ष माप निकालनी है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को मीन से डिवाइड करें। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड मीडियन निकालना है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में मीडियन से डिवाइड करें। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकालना है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड में मोड से डिवाइड करें, तो ये सापेक्ष माप आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इस तरह से आपको करना है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, एक एग्जांपल जो लीजिए अब किरण, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इनकम सीरियल नंबर, इनकम दे रखी है रुपए में, पांच कर्मचारियों की इनकम दे रखी है, जैसे 4,800 रुपए, 4,200 रुपए, 4,000 रुपए, 4,600 रुपए, 4,400, तो अपन इसको आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे पहले सबसे इनकम 4,000 है, उसके बाद 4,200 है, उसके बाद 4,400 है, उसके बाद 4,600 है, उसके बाद 4,800, तो एन जो है वो है पांच, पांच कर्मचारी हैं, इनकी आय दे रखी है। अब आपको मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जैसे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए ये इनकम है वो एक्स है, अगर इसकी टोटल करते हैं तो ये आ जाएगी सिग्मा एक्स, तो 0, 0, 12, 20, 2 और पाई। पाई और एन है पांच, तो
अब यह एक कॉलम बना लीजिए पहले, जैसे डी एक्स बार निकालना है तो मीन निकाले सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्चुअल मीन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स है 22,000 और एन है 5, तो ये आएगा 4,400। ये आ गया मीन, तो इस मीन से अपन ये एक्चुअल मीन है 4,400, इससे डेविएशन लेंगे x माइनस x बार, ये सारे x है वैल्यू है, इसमें से मीन घटाएंगे 4000 में से 4400 घटाएंगे, माइनस 400 आ रहा है लेकिन आपको मॉडल्स के साथ है इसको इग्नोर करना है माइनस को, तो 400 ही लिखेंगे, 4200 में से 4400 लेस करेंगे 200, 4400 में से 4400 लेस करेंगे 0, 4600 में से 4400 करेंगे 200, 4800 में से 4000 करेंगे 4। इस कॉलम का टोटल सिग्मा डी एक्स बार, तो ये देखिए यहाँ 600 और 612, ये आ गया सिग्मा डी है। तो अब मीन डेविएशन कैसा आएगा, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन, तो सिग्मा डी एक्स बार आया 1200 और एन है 5, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू 240 रुपए, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। अगर इसका कोफिशिएंट निकालता हूं तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन, तो 240 डिवाइड बाय मीन है 4,400, तो इसको डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा। देखिए 2,240 को डिवाइड कर रहे हैं, ये आ जाएगा 0.5, तो ये आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, तो पहले मीडियन निकालते हैं, तो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो यहां देखिए साइज ऑफ एन है 5 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 टाइम, ये आ गया साइज ऑफ थर्ड आइटम, तो सीरीज में थर्ड आइटम ये है, इसकी वैल्यू है 4400, तो मीडियन आ गया 4400। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए 4400 ही मीडियन आ रहा है और 4400 ही मीन आ रहा है, तो जो मीन डेविएशन आएगा फ्रॉम मीन जो आ रहा है वो को मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी आएगा, तो वो इस सेम अमाउंट से अपन जब करेंगे, देखिए यहाँ पर वी एम निकालेंगे मॉडल्स के साथ, मीडियन है 4400, तो एक्स माइनस एम तो वही 200, 400, 0, 200 और 400, तो यही 1200 रुपये आ गए सिग्मा टी एम। तो जब अपन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा डी एम डिवाइड बाय एन, तो डी एम है 1200, एन है 5, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन 240 रुपए, क्योंकि मीन भी वही आ रहा है मीडियन भी वही आ रहा है, और इस सीरीज में मोड निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारी वैल्यूज एक ही बार आई है, तो एक से ज्यादा बार नहीं है तो मीडियन से नहीं, तो ये इंडिविजुअल सीरीज। अब एक अब नेक्स्ट देखिए डिस्क्रीट सीरीज में क्या फॉर्मूले होंगे, अब डिस्क्रीट सीरीज देखते हैं, डिस्क्रीट सीरीज अगर सीरीज डिस्क्रीट है
तो पहला मीन डेविएशन को हम मीन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ बी एक्स बार डिवाइड बाई एन, यानी जो डेविएशन आएंगे उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें और फिर टोटल करें। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ डी एम मॉड्यूल्स के साथ डिवाइड बाई एन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकालेंगे तो सिग्मा एफ डी जेड डिवाइड बाई एन। तो आपको क्या करना है, डेविएशंस निकालने हैं, और डेविएशंस वैसे ही आएंगे एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्चुअल मीन। इसी तरह डीएम कैसे आएंगे, वैल्यू माइनस एक्चुअल मीडियन, और डी जेड कैसे आएंगे, वैल्यू माइनस मोड। अब उनको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉलम बढ़ जाए तो इसका मतलब एक कॉलम तो बनाएंगे डेविएशन का, फिर उसको मल्टीप्लाई करके एफ डीएम का एक कॉलम और बनाएंगे एफ डीएम, फिर उसकी टोटल करेंगे, और एन का मतलब फ्रीक्वेंसी की टोटल। तो डिस्क्रीट सीरीज से ये जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आया है। इसका कोफिशिएंट निकालना हो, अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन जो आएगा उसको आप जैसे मान लीजिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालते हैं तो मीन से डिवाइड कर देंगे, या मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकाल रहे हैं यानी अपन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं मीन डेविएशन का, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से निकाल रहे हैं तो मीडियन से डिवाइड कर देंगे, अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकाल रहे हैं तो मोड से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा। अब एक एग्जांपल लीजिए, इसमें जैसे ये क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, इसमें निम्नलिखित सारणी में एक बागान में पौधों पर लगे वे फूलों का विवरण दे रखा है। फ्लावर्स तो है ये एक्स हो जाएगी, फ्लावर्स है 0, 2, 4, 6, 8 और 10, और नंबर ऑफ प्लांट्स जो है ये फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1, 3, 7, 11, 15 और 20 ये है। अब मान लीजिए आपको इस ये एग्जांपल है, इसमें फ्लावर्स वैल्यू है, नंबर ऑफ प्लांट फ्रीक्वेंसी है, तो इससे अपन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहे हैं, तो पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन के लिए क्या करें आप, एफ एक्स मल्टीप्लाई करें, फ्रीक्वेंसी और वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 0 को 1 से करेंगे 0, 2 को 3 से करेंगे 6, 4 को 7 से करेंगे 28, 11 को 6 से करेंगे 66, 8 को 15 से करेंगे 120 और 20 को करेंगे तो 200। इस कॉलम का टोटल सिग्मा एफ एक्स आ गया। ये मीन आ गया। अब मीन डेविएशन के लिए क्या करें, 7.37 है, मीन इक्वल टू 7.37 बी के बाद आएंगे मॉड्यूल्स के साथ, 0 में से घटाएंगे तो 7.37, 2 में से घटाएंगे तो 5.37, 4 में से घटाएंगे तो 3.37, 6
छह में से घटाएंगे 1.37 और आठ में से घटाएंगे तो 8 माइनस तो 0.63 और 10 में से घटाएंगे 2.63। इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f है ये, एक को इससे करेंगे तो 7.30, दो तीन को इससे करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5.37 16.11। फिर 3.37 को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 तो 23.59। फिर 1.37 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.37 मल्टीप्लाई बाय 3.37 मल्टीप्लाई बाय 7 23.59। 1.3 को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 11 15.07। 0.63 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 9.45 और 2.63 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 52.60। इस कॉलम का टोटल सिग्मा एफ डी एक्स बार है, इस कॉलम का टोटल करेंगे 7.37 प्लस 16.11 प्लस 23.4 प्लस 15.07 प्लस 9.45 प्लस 52.6 124.19। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसा आएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सिग्मा एफ डी एक्स बार डिवाइड बाय है और सिग्मा एफ डी एक्स बार आया है 124.19 और एन है 57। इसको 57 से डिवाइड करेंगे जाएगा 2.18। ये आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब इसको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन तो मीडियन से निकालने के लिए पहले मीडियन निकाले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, एक एक और तीन चार, चार और सात 11, 11 और 11 22, 22 और 15 37, 37 और 20 57। अब फॉर्मूला लगाएं मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 तो साइज ऑफ एन है 57 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एम इक्वल टू साइज ऑफ 29th आइटम इसमें 37 में इसके सामने वैल्यू है 8 तो मीडियन इज इक्वल टू 8, मीडियन आ गया 8। अब 8 से डेविएशन निकालेंगे यानी कि एक कॉलम बनाएंगे डीएम और एक कॉलम है एफ डीएम, डीएम के लिए मीडियन है 8 तो एक्स माइनस मीडियन पहला 0 है, 0 में से 8 घटाएंगे 8, 2 में से 8 घटाएंगे 6, 4 में से 8 घटाएंगे 4, 6 में से 8 घटाएंगे 2, 8 में से 8 0, 10 में से 8 घटाएंगे 2। इसको मल्टीप्लाई करें फ्रीक्वेंसी से, 8 को 1 से करेंगे 8, 6 को 3 से करेंगे 18, 4 को 7 से करेंगे 28, 2 को 11 से करेंगे 22, सॉरी ये तो यह तक ही है, ये आ गया ना, 0 में से 8 घटाएंगे 8, 6, 4, 2 और 8 में से 8 घटाए 0, 10 में से करेंगे 2 दिया। अब 0 को 15 से करेंगे 0 और 2 को 20 से करेंगे 40 दिया जाएगा सिग्मा एफ डी एम। ये देखिए कितना 16, 24, 26, 2, 5, 7 और 4 दिया। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे
तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इक्वल टू सिग्मा एफ डी एम डिवाइड बाय एन। एफ डी एम आया 116 और एन है 57, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो 116 को डिवाइड करें 116 डिवाइड बाय 57 2.03। अगर इसका कोफिशिएंट निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीडियन, तो 2.02 डिवाइड बाय 8। अगर इसको 8 से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 0.25। यह आ गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो इस तरह से आज अपन ने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सिटीज दोनों में मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं यह अपन ने देखा। कल देखेंगे सतत श्रेणी में किस तरह से निकालते हैं।